हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं गैलेक्टिक अखिल। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक कॉफिन डालना है। देखिए पीछे ये मेरे शो हो रहा है, इसको कैसे बनाना है। और ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कॉफिन डाल या स्टैचू बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान होगा वो है आर्मन स्टैंड, रेड स्टोन कंपरेटर, रेड स्टोन टॉर्च, रेड वूल एंड रेड कारपेट, पिस्टन एंड रेड स्टोन प्लैंक कोई भी ले सकते हैं, हेड एंड डार्क ओक ट्रैप डोर एंड एक और ट्रैप डोर देना है आपको, ओक ट्रैक डोर। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 6x3 का एक डिक करना है, तो कुछ इस तरह से डिक करना है, 1 2 3 और इधर 6 ले जाने हैं ब्लॉक। अरे क्यों लग गया, 3 4 5 6। अब इसको आपको बराबर कर देना है उस 3 के लेवल में। अरे चौदह क्यों हो गया ये, कोई बात नहीं, आप प्लैंक लगा देते हैं। तो वैसे आपको क्या करना है, एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में यहाँ पर रेड बुल लगा देना है और कुछ साइड में ही लगाना है, इस साइड इस तरह से। फिर यहाँ पर एक और ब्लॉक छोड़ना है और यहाँ एक वूल लगा देना है, वूल ब्लॉक। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, रेड स्टोन टॉर्च ऐसे प्लेस करना है। फिर यहाँ पर रेड स्टोन बीच में भी। अब इसके बाद कंपरेटर यहाँ पर बीच में ऐसे। अब यहाँ से पीछे जाना है और यहाँ पर भी 2 कंपरेटर लगा देने हैं। ऐसा ही दूसरे ब्लॉक में भी करना है। तो गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ पर रेड स्टोन लगा देना है, मतलब ये लाइन को जोड़ देना है। अब देखिए ये ट्राई करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ओके गाइस, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चेक कर लिया ये वर्क कर रहा है। तो आप सबसे पहले स्टैचू आर्मर स्टैंड को हटा देना है। अब करना क्या है, अब इसको रेड कारपेट से ऊपर इसको ढक देने हैं। तो गाइस, मैंने इसको कारपेट से पूरा ढक दिया है। अब आपको करना क्या है, पिस्टन लगाने हैं इस एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में ऐसे। फिर इधर इसके नीचे क्या है, जो वूल का ब्लॉक है तो जस्ट उसके पास ही लगाना है एक ब्लॉक छोड़कर। तो ये यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। ऐसे ही दूसरी साइड में करना है। तो दोनों तरफ ये लग गया है और यहाँ पर आपको स्टैचू लगा देना है या आर्मर स्टैंड जो भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जहाँ से ब्लॉक लगे हैं वहाँ से ऐसे प्लैंक लगाना है। ठीक है, तो ये साइड लग गया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है, मतलब ब्लॉक प्लैंक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इसमें ट्रैप डोर लगा के इसको कवर कर देना है। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस ट्रैप डोर को लगा के ऐसे इसको कवर कर देना है। जिससे ये लगेगी कॉफिन। ओके, तो ऐसे ही चारों तरफ कर देना है। स्टैचू हटा लेते हैं, काम नहीं करने दे रहा कि। ओके गाइस, तो ये देखिए ऐसे कंप्लीट हो गया कॉफिन। अब इसके ऊपर डार्क ओक ट्रैप डोर लगा देना है। ओके, तो कंप्लीट हो गया है।
स्टैचू को हटा लेते हैं, एक ही साइड से लगाना है। फेस मतलब एक ही साइड होना चाहिए सबका, वहाँ पे अलग अलग लगेंगे। ओके तो इतना कंप्लीट हो गया। आप क्या करना है, यहाँ पर रेड स्टोन लगा दीजिए और ये देखिए उसको पुश कर दिया है स्टैचू को, ऐसा ही साइड करना है। ओके गाइस तो देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप आर्मर पहना दीजिए और हेड लगा दीजिए। चलिए आर्मर और हेड लगा देते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और बताइएगा कि जैसा मैंने बताया वैसे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।